अच्छा जी बेटा, अब यह है कि मतलब आप सबने प्रैक्टिकली जो है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया हुआ है, तो सबको आइडिया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं क्या आपने। देखिए, एक तो सिंपल सी बात यह है कि जो भी चीज़ है, जो भी टेस्ट है, वो सारे मेंशन है क्वेश्चन पेपर के अंदर, ठीक है ना। तो आपने एज इट इज जो क्वेश्चन पेपर में मेंशन है, आपने वो टेस्ट परफॉर्म करते जाने, ठीक है। मोस्टली टेस्ट वो होते हैं जो आपने ऑलरेडी पहले से किए हुए होते हैं, तो आपके माइंड में होता है कि क्या ऑब्जर्वेशन आ सकती है। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे भी कंपाउंड आ जाते हैं या कुछ ऐसे भी आप कह ले के आइंस आ जाते हैं जो कि एनालिसिस वाले नोट्स में से नहीं होते और वो क्वेश्चन में मेंशन होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको कोई नई ऑब्जर्वेशन भी मिल सकती है। तो ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहले से आपके माइंड में होनी चाहिए जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो मेरा अपना ये मतलब तरीका ये है कि मैं ये समझता हूँ कि आपके एक मतलब ऐसा नहीं कि आप जस्ट क्वेश्चन को पढ़ें और बस उसको पढ़ के जो है वो जैसा लिखा हुआ आप सॉल्व करना शुरू कर दें। थोड़ा सा आपने उसको क्वेश्चन को पहले समझना है, ठीक है। आपकी अपनी कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और जब आप उस अंडरस्टैंडिंग के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको काफी मतलब आसानी जो है वो हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है ना। तो अब ये है कि वही बेसिक्स जो है वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। यानी हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, जो लास्ट क्वेश्चन आता है आपका P3 में क्वालिटेटिव एनालिसिस का, जिसमें आपने आइंस जो है वो आइडेंटिफाई करने होते हैं। ठीक है, अच्छा। अब इसमें एक चीज जो सबसे पहले हम बात कर लें कि मतलब आपको ऑलरेडी नोट्स जो हैं वो गिवन होते हैं क्वेश्चन के अंदर ही, ठीक है। जो कैट आइंस और एनआइंस के जो टेस्ट हैं या जो गैस के टेस्ट हैं वो ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर के अंदर गिवन होते हैं, तो आपने टेस्ट याद नहीं करने, ठीक है। बट मतलब अगेन मैं वही बात करूंगा कि आपको थोड़ा सा होना चाहिए कि कौन कौन से कैट आइंस आपके सिलेबस में हैं, ठीक है। और आपको उनके टेस्ट जो है वो मतलब माइंड में होने चाहिए। आपको मालूम हो कि जब आप कोई टेस्ट कर रहे हैं तो आपको मालूम हो कि ये टेस्ट आप किस पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जरा एक पहले इंट्रोडक्शन जो है वो हम कर लेते हैं कैटाइन्स और एनाइन्स का, कि कौन कौन से कैटाइन्स और एनाइन्स जो है वो हमारे सिलेबस में है। नहीं, टेस्ट आपको याद नहीं करने बेटा, टेस्ट तो आपको गिवन होंगे सारे, एनालिसिस नोट्स जो हैं वो आपको गिवन होंगे। तो मैं ये मतलब मेरे कहने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि आप टेस्ट याद करें। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको मतलब ये पता होना चाहिए कि जब आप NaOH ऐड कर रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि NaOH क्यों ऐड कर रहे हैं। या फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैरियम क्लोराइड ऐड कर रहे हैं या सपोज आप सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब वो थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए। या एक और चीज़ है कि अगर आपके सामने कोई सॉलिड आपको दिया गया है सैंपल के तौर पे, कि लेट्स से Fe5 है या Fe6 है, तो उस सॉलिड की अपीयरेंस को देख के आप जज कर पाएंगे ये क्या चीज हो सकती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है, बाकी नोट्स ऑलरेडी गिवन होते हैं, आपने कोई उनके मतलब याद नहीं करने, रटे नहीं लगाने। तो बस ये है कि थोड़ा सा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो पहले जरा हम वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम कैटाइन्स की बात करें, यानी स्पेसिफिकली अभी हम स्टार्ट में बात कर रहे हैं सॉल्ट एनालिसिस की, सॉल्ट एनालिसिस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अगर सॉल्ट एनालिसिस की बात करें तो सॉल्ट एनालिसिस जो है वो हमेशा कैसे होगा, बाय द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटाइन एंड द एनाइन प्रेजेंट इन द सॉल्ट। लेट्स सपोज X+ जो है ये कैटाइन है एंड Y- जो है ये एनाइन है। नाउ आपके सिलेबस में जो कैटाइन्स हैं इनको हम सिंपली दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक तो वो कैटाइन्स हैं जो कलर्ड सोल्यूशन देंगे या कलर्ड कंपाउंड्स देंगे, और दूसरे वो कैटाइन्स हैं जो के कलरलेस सोल्यूशन देंगे या कलरलेस कंपाउंड देंगे, ठीक है। या आप कह लेंगे ट्रांजिशन एंड नॉन ट्रांजिशन। तो अगर हम बात कर लें पहले कलर्ड कैटाइन्स की, ठीक है, तो कलर्ड कैटाइन्स जो हैं ये आपके पास कौन कौन से हैं, क्रोमियम, क्रोमियम आइन, ठीक है। उसके बाद Copper 2+, Cu2+, Fe2+, Fe3+, मैंगनीज Mn2+, ठीक है जी। तो ये कुछ आयन्स हैं जो के कलर्ड सॉल्यूशन देंगे या कलर्ड कंपाउंड्स देंगे, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई ऐसा सॉल्यूशन दिया जाता है जो कलर्ड है, तो आपको देख के आइडिया हो जाएगा कि ये मतलब ये पर्टिकुलर कैटाइन हो सकता है। तो अब इनके जो टेस्ट हैं, मतलब कैटाइन्स को टेस्ट करने के लिए आप कौन से रिएजेंट ऐड यूज करते हैं, वो भी आपको मालूम है कि द रिएजेंट व्हिच वी यूज टू टेस्ट फॉर कैटाइन्स
कौन से रिएजेंट यूज हो रहे होते हैं, रिएजेंट्स फॉर टेस्ट ऑफ कैटायंस। अगर आप कैटायंस टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसमें रिएजेंट कौन से यूज होंगे, नंबर वन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड नंबर टू एक्वस अमोनिया। ठीक है, अब इन दोनों को यूज करने का पर्पस, व्हाई वी यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एक्वस अमोनिया, जी कोई बताएगा क्या आप कैटायन टेस्टिंग के लिए यही रिएजेंट क्यों यूज करते हैं, क्या रीजन है इसका? जी बेटा, प्रेसिपिटेट बनता है, यानी कि और प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं, इनसॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो यानी हमें यह मालूम है कि अगर हम NaOH और प्रेसिपिटेट क्यों बनता है, क्योंकि जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड या अमोनिया ऐड करते हैं तो बोथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एक्वस अमोनिया दे रिलीजेस, यानी चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें या एक्वस अमोनिया की बात करें, ये दोनों ही कैटायन टेस्टिंग के लिए क्यों यूज किए जाते हैं, बिकॉज दे बोथ रिलीज हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, दोनों ही क्योंकि एल्कलीज हैं तो दे बोथ रिलीज हाइड्रोक्साइड आयंस, एनएओ एक स्ट्रॉन्ग एल्कली है, अमोनिया वीक एल्कली है, बट दे बोथ रिलीजेस हाइड्रोक्साइड आयंस इनटू द सॉल्यूशन। और अगर आपके सॉल्यूशन में मेटल आयन मौजूद है, इफ मेटल आयन इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, अब ये कोई भी मेटल आयन हो सकता है, तो दैट मेटल आयन विल रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, एंड दो चीजें हो सकती हैं यहाँ पे, यानी जब आपका मेटल आयन जो कि डिसॉल्व्ड इन वाटर है, व्हेन इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्साइड आयन, तो वी कैन आइदर गेट अ मेटल हाइड्रोक्साइड व्हिच इज वाटर सॉल्युबल, और वी कैन गेट अ मेटल हाइड्रोक्साइड व्हिच इज वाटर इनसॉल्युबल। ठीक है, तो आपके पास मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा जो या तो वाटर सॉल्युबल होगा या फिर वाटर इनसॉल्युबल होगा, और ये जो वाटर इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड बनेगा, दिस गिव्स प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट्स कहलाते हैं। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट, अब प्रेसिपिटेट्स जो है ये सिंपल क्या है, ये स्मॉल इनसॉल्युबल सॉल्ट पार्टिकल्स हैं व्हिच फॉर्म्स व्हेन टू सॉल्युबल सॉल्ट और व्हेन टू सॉल्युबल कंपाउंड्स रिएक्ट विद ईच अदर। तो प्रेसिपिटेट्स को अगर हम डिफाइन करें कि प्रेसिपिटेट्स होते क्या है, बेसिकली प्रेसिपिटेट्स क्या है, दीज आर स्मॉल इनसॉल्युबल solid particles which forms in solution when two soluble compounds, let's say two soluble salt हो सकते हैं या soluble salt and an acid ये हो सकता है, तो when two soluble compounds react with each other, तो प्रेसिपिटेट क्या है, दिस इज स्मॉल इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल व्हिच फॉर्म्स इन सॉल्यूशन व्हेन टू सॉल्युबल कंपाउंड। प्रेसिपिटेट हमेशा कब बनेगा, जब दो सॉल्युबल कंपाउंड रिएक्ट करेंगे। ठीक है, जब दो सॉल्युबल कंपाउंड रिएक्ट करेंगे और वहां से जो आपको इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स मिलेंगे, दोज वुड बी कॉल्ड प्रेसिपिटेट। ठीक है, एंड प्रेसिपिटेट जो है ये एक तरह से आप कह लेंगे इट क्रिएट्स क्लाउडीनेस इन द सॉल्यूशन, एक तरह के आपने सबने ये टेस्ट करके देखे हुए हैं। तो प्रेसिपिटेट्स जो हैं ये स्मॉल इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं, ये मतलब आप कह लें कि ये लाइट को पास होने से रोकते हैं। ठीक है, आप सॉल्यूशन के आर पार नहीं देख सकेंगे, सी थ्रू सॉल्यूशन नहीं रहेगा, एंड इट गिव्स अ क्लाउडीनेस इन अ सॉल्यूशन, इट गिव्स अ टाइप ऑफ क्लाउडीनेस। ठीक है, अब ये क्लाउडीनेस कलर्ड भी हो सकती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉपर के केस में कलर्ड क्लाउडीनेस आती है। ठीक है, और ये क्लाउडीनेस वाइट भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल अगर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो प्रेसिपिटेट क्या है, ये स्मॉल इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं व्हिच फॉर्म्स व्हेन टू सॉल्युबल कंपाउंड्स रिएक्ट विद ईच अदर। प्रेसिपिटेट में और डिपॉजिट में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, डिपॉजिट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे जी जिंक रिएक्ट्स विद कॉपर टू सल्फेट। ठीक है, अब इस रिएक्शन में क्या होगा, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, वी गेट जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब बाद बच्चे इसमें भी लिख के आ जाते हैं ऑब्जर्वेशन में कि जी प्रेसिपिटेट्स ऑफ प्रेसिपिटेट्स फॉर्म, ये जो कॉपर सॉलिड बनेगा इसको पीपीटी, ये प्रेसिपिटेट नहीं है, ये बेसिकली क्या है, दिस इज डिपॉजिट,
डिपॉजिट है। प्रेसिपिटेट क्या है, विच फॉर्म्स व्हेन टू सॉल्युबल कंपाउंड्स रिएक्ट विद ईच अदर। तो जो इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स बनेंगे ये प्रेसिपिटेट इटसेल्फ, ये भी कोई आयनिक कंपाउंड ही होते हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेट्स जो हैं ये इनसॉल्युबल आयनिक कंपाउंड्स हैं, प्रेसिपिटेट्स आर इनसॉल्युबल आयनिक कंपाउंड, जैसे यहाँ पे हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं। हाँ जी, यहां तक बात क्लियर है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, थोड़ा सा जरा मैं इसको थ्योरी को डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो यहां तक बात क्लियर है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? हाँ जी, ठीक है जी। तो ये तो जस्ट सिंपल हमने बात कर ली कि प्रेसिपिटेट क्या होते हैं। तो मतलब सिंपल क्या हो रहा है कि जब आपने कैटाइन को टेस्ट करना है तो वी ऐड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस अमोनिया, और फिर टेस्ट आपको मालूम है कि फर्स्ट वी टेस्टेड विद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH और विद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया, ठीक है, प्रेसिपिटेट बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, एंड देन फिर आप उसको एक्सेस में ऐड करके देखते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट टेस्ट ट्यूब को जो है वो 2/3 फिल करके देखते हैं। तो अगर तो प्रेसिपिटेट्स रीडिसॉल्व हो जाते हैं तो वो आप मेंशन करते हैं, और अगर डिसॉल्व नहीं होते तो वो भी मेंशन करते हैं कि प्रेसिपिटेट्स रिमेन इनसॉल्युबल। तो वो टेस्ट आपको सारे मालूम है, ठीक है। तो वी ऐड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक्वस अमोनिया, और रीजन क्या है, टू फाइंड आउट के वेदर प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्मिंग और नॉट। और पीपीटी क्यों बनता है, बिकॉज जो मेटल आयन है इट विल रिएक्ट विद द हाइड्रोक्साइड आयन एंड वी गेट मेटल हाइड्रोक्साइड, इनसॉल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो अब ये जो आपके कलर्ड कैटाइन्स हैं दे गिव कलर्ड प्रेसिपिटेट, जैसे फॉर एग्जांपल क्रोमियम है। अब मेरे ख्याल में ये तो ऐसा सच आपको कोई इतना डिटेल में, वैसे जब इतनी बार आपने टेस्ट किए हैं तो सबके जहन में होंगे, क्रोमियम जो है दिस गिव्स ग्रीन प्रेसिपिटेट्स, ठीक है, क्रोमियम जो है ये ग्रीन प्रेसिपिटेट देता है विच इज सॉल्युबल इन एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉल्युबल इन एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्रोमियम का जो पीपीटी है ये ग्रीन पीपीटी देगा, ठीक है, व्हेन वी ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH। मैं एक टेस्ट आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, लेट्स से फिर बाकी सारे उसी तरह से होंगे। सपोज हम क्रोमियम के लिए ही बात करते हैं, Cr+3। तब होता क्या है कि व्हेन वी ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH, ऑन एडिंग फ्यू ड्रॉप्स, जब आप फ्यू ड्रॉप्स ऐड करते हैं तो क्या होगा, सोल्यूशन में मौजूद क्रोमियम आइंस दे विल रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइड आइन, क्रोमियम आइन और हाइड्रोक्साइड आइन का रिएक्शन होगा, ठीक है, क्रोमियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का रिएक्शन होगा एंड वी गेट CrOH3, क्रोमियम 3 हाइड्रो। बाद में आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ लेते हैं कि राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द ग्रीन प्रेसिपिटेट, और राइट द आयनिक इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन प्रेसिपिटेट। तो दिस इज द आयनिक इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन प्रेसिपिटेट, क्रोमियम आयन 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस एंड वी गेट दिस क्रोमियम 3 हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो दिस गिव्स ग्रीन प्रेसिपिटेट, तो ये से ग्रीन क्लाउडीनेस की जो है वो आएगी, ठीक है। तो दिस गिव्स ग्रीन प्रेसिपिटेट, ये ग्रीन प्रेसिपिटेट देगा, ठीक हो गया। एंड देन व्हेन वी ऐड एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑन एडिंग एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो यहां पे फिर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस होते हैं, वो खैर आपके सिलेबस में नहीं है। आपने जस्ट सिंपल ये रखना कि व्हेन वी ऐड एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्सेस फ्यू ड्रॉप्स का मतलब आपने 4 या 5 ड्रॉप्स, एक एक ड्रॉप ऐड करके। अच्छा, जब आप ये टेस्ट करते हैं तो उसमें कोशिश ये करें कि आप ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH ऐड करें, ताकि वो पीपीटी की जो क्लाउडीनेस है वो आपको क्लियरली नजर आएगी, ठीक है। बाद बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि जी पीपीटी बन रहा है या नहीं बन रहा, तो उसका आसान तरीका यही है कि आप जस्ट सिंपल ड्रॉप बाय ड्रॉपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH ऐड करें, एक एक ड्रॉप ऐड करें, तो वो आपको ऐसे जैसे जब हम इंक का ड्रॉप ऐड करते हैं तो वो आपको इंक डिफ्यूज होती हुई नजर आती है ना, तो इसमें भी आपको ऐसे प्रेसिपिटेशन जो है वो होती हुई नजर आएगी, डिफ्यूज होती हुई क्लाउडीनेस ही नजर आएगी जब आप फ्यू ड्रॉप्स ऐड करेंगे, ठीक है। बट जब आप एक्सेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, एक्सेस में कि आप अराउंड हाफ टेस्ट ट्यूब से उसको ऊपर ले जाएं, ठीक है, 2/3 या हाफ के दरमियान में रखें उसको, तो व्हेन एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड, तो इन केस ऑफ क्रोमियम दिस प्रेसिपिटेट रीडिसॉल्व, and gives a green solution. ठीक है, मैं जो सिर्फ क्रोमियम के लिए डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी सब हम डायरेक्ट वैसे ही देख लेंगे।
तो ये क्रोमियम मतलब एक्चुअल में जो एक बात जो आपसे करनी थी, ये इक्वेशन आपके साथ डिस्कस करनी थी, ठीक है। तो इसी तरीके से जब आप अमोनिया में ऐड करेंगे, अमोनिया ऐड करेंगे क्रोमियम आयंस के अंदर, तो सेम रिएक्शन होगा, वी गेट ग्रीन प्रेसिपिटेट, और अमोनिया में क्रोमियम का जो हाइड्रोक्साइड है वो डिजोल्व नहीं होगा, ठीक है, इट रिमेन्स इन सॉल्युबल। तो सिंपल क्या होगा कि ग्रीन प्रेसिपिटेट इन इन केस ऑफ क्रोमियम, इन केस ऑफ क्रोमियम आयन, ग्रीन प्रेसिपिटेट विच इज सॉल्युबल इन एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड बट रिमेन इन सॉल्युबल इन एक्सेस अमोनिया, रिमेन इन सॉल्युबल इन इन एक्सेस अमोनिया, ठीक है। तो इफ वी गेट ग्रीन पीपीटी विच डिजॉल्व्स इन NaOH, तो इसका मतलब कि ये क्रोमियम आयन है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम कॉपर आयन की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट कॉपर आयन, तो कॉपर आयन के केस में क्या है, वी गेट ब्लू प्रेसिपिटेट और लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट, ठीक है, विच डिजॉल्व्स इन एक्सेस अमोनिया। तो कॉपर का जो पीपीटी है ये एक्सेस अमोनिया में डिजोल्व होता है, क्रोमियम का पीपीटी एक्सेस NaOH में डिजोल्व होता है, कॉपर का पीपीटी एक्सेस अमोनिया में डिजोल्व होता है, ठीक है, ये आप सबको मालूम होगा। Fe2+ Fe3+ दे बोथ गिव्स इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, ठीक है ना। Fe2+ का जो पीपीटी है, Fe2+ गिव्स ग्रीन प्रेसिपिटेट, Fe2+ की अगर हम बात करें, दिस गिव्स ग्रीन प्रेसिपिटेट, और अगर आप इस प्रेसिपिटेट को मतलब थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो क्या होगा जी, कोई बताएगा, व्हाट हैपेंस इफ दिस ग्रीन प्रेसिपिटेट रिमेन्स ओपन फॉर अ फ्यू सेकंड्स। जी हाँ जी, और ये टर्न्स ब्राउन किस वजह से होगा, यानी सरफेस पे आपको ऐसे ब्राउन ब्राउन सॉल्यूशन का होता हुआ नजर आएगा, ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेंगे, बिकॉज इट ऑक्सीडाइजेस, इट कन्वर्ट्स इनटू Fe+2 से Fe+3 में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो आयरन 3 ऑक्साइड बनना शुरू हो जाता है। तो हम सिंपल कहते हैं कि जी ग्रीन प्रेसिपिटेट विच टर्न्स ब्राउन व्हेन कम्स इन कॉन्टेक्ट विद एयर, इन कॉन्टेक्ट एयर, ठीक है। Fe2+ Fe3+ गिव्स ब्राउन प्रेसिपिटेट और रेड प्रेसिपिटेट, और चाहे Fe2+ हो या Fe3+ हो, दे बोथ आर इनसॉल्युबल इन बोथ एक्सेस NaOH एंड एक्सेस अमोनिया, दोनों में डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, Fe2+ Fe3+ जो है ये बिल्कुल सिंपल है। और लास्ट जो हमारे पास कलर्ड सॉल्यूशन है, दैट इज मैंगनीज, मैंगनीज गिव ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट, दिस गिव्स ऑफ व्हाइट, और क्रीम कहते हैं, दिस गिव्स ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट विद NaOH एंड विद अमोनिया बोथ, दोनों के साथ ये ऑफ व्हाइट पीपीटी देगा, ठीक है। मैंगनीज जो है ये ऑफ व्हाइट पीपीटी देगा, और ये भी जो है इट टर्न्स ब्राउन व्हेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद एयर, और ये इनसॉल्युबल इन एक्सेस है, ठीक है, दोनों में इनसॉल्युबल है, रिमेन इनसॉल्युबल, मैंगनीज रिमेन्स इनसॉल्युबल इन एक्सेस, either it is sodium hydroxide or ammonia, and turns brown on contact with air. ठीक है जी, तो ये भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये हमारे कलर्ड कैटाइन्स हैं, ठीक है। तो ये जस्ट थोड़ा सा मैंने ऑब्जर्वेशंस डिस्कस कर ली और रिएक्शन आपके साथ डिस्कस कर लिए, ताकि आपको क्लियर हो कि ये ऑब्जर्वेशंस किस वजह से आ रही है। ऐसी जो कलरलेस कैटाइन्स हैं उनकी अगर बात करें, तो कलरलेस कैटाइन्स कौन कौन से हैं, स्टार्टिंग विद एल्यूमिनम, ठीक है, Al3+, देन बेरियम Ba2+, कैल्शियम Ca2+, एंड मैग्नीशियम Mg2+, एंड जिंक। ऑल्दो जिंक जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर आता है, बट ये कलर्ड सोल्यूशन नहीं देगा, कलरलेस सोल्यूशन देगा, ठीक है। तो ये हमारे मतलब मेटल्स हैं विच गिव कलरलेस सोल्यूशन, ये कलरलेस सोल्यूशन देंगे, ठीक है। और इनमें अगर हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट देखें, तो फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम जो है, अच्छा पहले जो हम डायरेक्ट बात स्टार्ट करते हैं जिंक से, जिंक दिस गिव्स
व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है, बोथ इन NaOH एंड अमोनिया फ्यू ड्रॉप्स में ये क्या देगा, व्हाइट पीपीटी देगा, ठीक है, एंड डिसॉल्व्स इन एक्सेस, दोनों के एक्सेस में डिसॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व्स इन एक्सेस। तो जिंक आयन जो है ये बड़ा सिंपल है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा सोल्यूशन है, कलरलेस सोल्यूशन है, आपने उसमें NaOH ऐड किया, अमोनिया ऐड किया, दोनों में पीपीटी बनकर रीडिसॉल्व हो गया, तो दैट मींस कि आपके पास जिंक आयन सोल्यूशन में मौजूद है, ठीक है। मैग्नीशियम आयन इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, मैग्नीशियम आयन दिस गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट, मैग्नीशियम जो है ये जिंक के बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है, दिस गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट एंड इनसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ बोथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया, दोनों के एक्सेस में रिमेन्स इनसॉल्युबल, व्हाइट पीपीटी मिलेगा। अच्छा, ये बिल्कुल व्हाइट क्लाउडीनेस टाइप की होगी, ठीक है, तो व्हाइट पीपीटी विच रिमेन्स इनसॉल्युबल इन एक्सेस, और जिंक में क्या है, व्हाइट पीपीटी विच डिसॉल्व्स इन एक्सेस, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। उसके बाद कैल्शियम आयन का टेस्ट, तो खैर आप ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, तो कैल्शियम आयन दिस गिव्स व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी इन NaOH, ठीक है, व्हाइट पीपीटी इन NaOH एंड, अच्छा ये नॉर्मली कब होता है कि व्हेन वी हैव हाई कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम, नॉर्मली कुछ बातों का ऐसा होता है कैल्शियम आयन के केस में आपको पीपीटी नहीं मिलता, ठीक है, NaOH के साथ भी, बिकॉज देखें ये कैल्शियम आयन जो है थोड़ा सा आपने जरा थ्योरी को ध्यान में रखना है, ठीक है, थ्योरी को ध्यान में रखेंगे तो आपको चीजें आसान लगेंगी। कैल्शियम जो है ये ग्रुप टू आयन है, और ग्रुप टू में हमने पढ़ा था कि हाइड्रोक्साइड्स की सॉलिबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है दिस इज स्लाइटली, या आप कह लें कि पार्शली सॉलिबल है ये, डाउन द ग्रुप सॉलिबिलिटी बढ़ती है, तो कैल्शियम हाइड्रो, कैल्शियम जो है ये ग्रुप टू का बिल्कुल सेंटर वाला एलिमेंट है, तो ये स्लाइटली आप कह लें कि पार्शली डिसॉल्व होता है, तो इफ वी हैव लार्ज कंसेंट्रेशन, इफ वी हैव लार्ज कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन तो इसके प्रेसिपिटेट बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये जो व्हाइट पीपीटी है ये आपको नॉर्मली कब मिलेगा NaOH में, जब मतलब कैल्शियम जो है वो लार्ज कंसेंट्रेशन के अंदर होगा, तो वी गेट व्हाइट पीपीटी इन NaOH व्हिच रिमेन्स इन सॉल्युबल, रिमेन्स इन सॉल्युबल, और अमोनिया के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं है, या आप कहेंगे नो पीपीटी या नो रिएक्शन। अच्छा, एक चीज इसमें ध्यान में रखिएगा कि अक्सर जहां पे मैग्नीशियम आयन क्वेश्चन में आता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सॉल्ट में मैग्नीशियम आयन मौजूद है, ठीक है, तो बाज तो मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें मैग्नीशियम आयन मौजूद है, वहां अगर आप मतलब अपने रिजल्ट्स में कैल्शियम आयन लिख के आ जाते हैं, क्योंकि ये अक्सर होगा आपके साथ, ठीक है, कि कैल्शियम आयन है तो आप Mg2+ की ऑब्जर्वेशन, आपको लगेगा कि Mg2+ आ रही है, वो प्योरिटी की वजह से बाद ऐसा हो जाता है, तो ये दोनों एक्सेप्टेबल है कि अगर आपको मतलब लेट सपोज एग्जाम मतलब क्वेश्चन के अंदर मैग्नीशियम आयन है बट आप कैल्शियम आयन लिख कर आए हैं, तो वो एक्सेप्टेबल होगा अगर आपने ऑब्जर्वेशन कैल्शियम आयन वाली लिखी है, ठीक है, या फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में कैल्शियम आयन है और आप मैग्नीशियम आयन आइडेंटिफाई करके आए कि Mg2+ इज प्रेजेंट, बिकॉज इन दोनों के जो सॉल्ट्स हैं उनकी अपियरेंस ऑलमोस्ट सेम होती है, टेस्ट भी सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि अमोनिया से कैल्शियम रिएक्ट नहीं करता, Mg रिएक्ट करता है, ठीक है, तो बाज अवकात क्या है कि इनमें कन्फ्यूजन हो जाती है, तो ये एक्सेप्टेबल है कि अगर आप Mg2+ की जगह पे Ca2+ लिख के आते हैं, बट फिर ऑब्जर्वेशन कैल्शियम आयन वाली होनी चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात? हाँ जी, यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट है बैरियम, ठीक है, तो बैरियम जो है ये नॉर्मली मतलब NaOH के साथ इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, बेहतर वही है कि आप इसको मतलब सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करें, क्योंकि हमें मालूम है कि बैरियम जो है इट विल रिएक्ट विद, अगर बैरियम आयन मौजूद है और आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो ग्रुप टू सल्फेट्स की सॉलिबिलिटी डाउन द ग्रुप कम होती है, तो बैरियम सल्फेट जो है दिस गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो अ बेटर वे टू आइडेंटिफाई कि वेदर वी हैव बैरियम आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, जस्ट सिंपली ऐड सल्फ्यूरिक एसिड एंड इफ वी गेट व्हाइट पीपीटी, अगर व्हाइट पीपीटी मिलता है तो दैट मींस कि बैरियम सल्फेट प्रेजेंट है, ठीक है, बट जो एनालिसिस वाला जो आपके नोट्स वाला टेस्ट है उसके हिसाब से हम इसको NaOH के साथ देखते हैं, तो NaOH के साथ ये बिल्कुल आप कहने के बिल्कुल लाइट पीपीटी आता है व्हाइट कलर का, जो कि ऑलमोस्ट जो है वो ऑब्जर्वेबल नहीं रहता, ठीक है, तो इट गिव्स वेरी लाइट
वेरी लाइट वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है जी, ये बिल्कुल लाइट वाइट प्रेसिपिटेट देगा और ये भी इनसॉल्युबल है एक्सेस के अंदर, ठीक है, और नो पीपीटी विथ अमोनिया, नो प्रेसिपिटेट विथ अमोनिया, ठीक है, अमोनिया के साथ ये प्रेसिपिटेट एक्सेस में ये डिसॉल्व हो जाएगा, सॉरी मैंने यहाँ पे वेरी लाइट प्रेसिपिटेट, और जब आप एक्सेस में ऐड करेंगे तो वो जो लाइट प्रेसिपिटेट है वो भी डिसअपियर हो जाएगा बिकॉज बैरियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीटली सॉल्युबल होता है, तो बिल्कुल लाइट पीपीटी आपको मिलेगा, ठीक है, और वो भी तब अगर प्योरिटी बहुत हाई हो, तो बेहतर यही है इन केस ऑफ बैरियम आयन, बैरियम आयन को अगर आपने टेस्ट करना है, यानी अगर आपको ये मतलब आपको लगता है कि आपके पास बैरियम आयन मौजूद है या कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन में आया कि जी आपने बैरियम आयन के लिए टेस्ट करना है, तो इट इज बेटर कि आप इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करें सोल्यूशन में, ठीक है, और देन आप चेक करें कि अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, इफ वी गेट व्हाइट पीपीटी, दैट मींस के बैरियम सल्फेट इज प्रेजेंट, ठीक है, और लास्ट में एल्यूमिनियम आयन, एल्यूमिनियम आयन का टेस्ट भी आप वो लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, ये भी सिंपल है कि दिस गिव्स व्हाइट पीपीटी विद NaOH एंड डिसॉल्व्स इन एक्सेस अमोनिया, सॉरी डिसॉल्व्स इन एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, और अमोनिया में डिसॉल्व नहीं होता, सो दिस गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट एंड इनसॉल्युबल इन एक्सेस अमोनिया, ठीक है, ये एक्सेस अमोनिया में डिसॉल्व नहीं होगा, एक्सेस NaOH में डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी, तो ये आपके नॉन ट्रांजिशन या आप कहने के कलरलेस जो आयन्स हैं कैटाइन्स हैं वो हो गए, और लास्ट में एक जो कैटाइन रह जाता है हमारे पास जो कि सबसे डिफरेंट है, दैट इज अमोनियम आयन NH4+ अमोनियम आयन, ठीक है, इनसे डिफरेंट क्यों है, क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक आयन है, तो अमोनियम जो है ये हाइड्रोक्साइड के साथ मिलके इट डू नॉट गिव्स अ पीपीटी, नो प्रेसिपिटेट, बिकॉज ये सॉल्युबल एक्वस अमोनिया बना देगा, जब आप इसको इसमें हाइड्रोक्साइड आयन ऐड करेंगे तो दिस गिव्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच इज सॉल्युबल, तो इसका मतलब यहाँ पे पीपीटी वाला टेस्ट नहीं हो सकता, तो अगर आप अमोनियम आयन को टेस्ट करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो इसमें फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वी हीटेड हीट द सोल्यूशन जेंटली, आप इसको हीट करेंगे और हीट करने पर क्या होगा, अमोनियम आयन विल रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइड आयन्स, एंड व्हेन अमोनियम आयन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्साइड आयन तो इक्वेशन क्या होती है, वी गेट अमोनिया एक्वस अमोनिया प्लस वाटर, तो ये जो गैशियस अमोनिया बनेगी, ठीक है, दिस गैशियस अमोनिया इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, इट टर्न्स रेड लिटमस, तो अमोनियम आयन का टेस्ट क्या है, एड NaOH एंड हीट, और हीट करने पर कलरलेस गैस बनेगी विच टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, जो रेड लिटमस को ब्लू करेगी, बाकी अमोनिया गैस की स्मेल है, स्मेल से ही आपको आइडिया हो जाएगा अमोनिया गैस बन रही है, ठीक है, लेकिन वो आप ऑब्जर्वेशन में लिख नहीं सकते, तो लिखना आपको यही है कि अब कलरलेस गैस प्रोड्यूसर्स विच टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, बाकी टेस्ट करते हुए अगर आपको लगता है कि कंजेंट गैस प्रोड्यूस हो रही है तो जस्ट सिंपल डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि अ कलरलेस गैस प्रोड्यूसर्स विच टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, तो ये कैटाइन्स के टेस्ट हो गए, हाँ जी, यहां तक क्लियर है बात, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन कोई कंफ्यूजन यहां तक, ठीक है जी, ये कैटाइन्स के टेस्ट हो गए। अच्छा अब आ जाए जरा थोड़ा सा अपीयरेंस की बात करते हैं, जो आपको सॉल्ट दिए जाते हैं Fe4 Fe5 बाद सॉलिड जो है वो दिए जाते हैं, ठीक है, तो सॉल्यूशन होगा तो बाद अवकात कलर्ड सॉल्यूशन होता है, बाद अवकात कलरलेस सॉल्यूशन होता है, तो कलर्ड सॉल्यूशन है तो 90-95% चांस ये है कि आपका जो कैटाइन है वो कोई ना कोई ट्रांजिशन मेटल है, और कलरलेस है तो इसका मतलब नॉन ट्रांजिशन है, और जो आपको सॉल्ट दिए जाते हैं, ठीक है, अब देखिए सॉल्ट की जो अपीयरेंस होती है, आपके सॉल्ट की जो अपीयरेंस होगी उसको देख के आप मतलब स्टार्ट से ही आप एनालाइज करना शुरू करेंगे, मतलब एनालिसिस जो है वो क्वेश्चन पेपर को देख के स्टार्ट नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, एनालिसिस आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जब आप मतलब आप क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ रहे हैं ना बेटा, तो एनालिसिस कहाँ से स्टार्ट होता है, जब आपकी नजर मतलब आपने जब सॉल्ट देखना है, जो सॉल्ट आपको दिया गया है, लेट से आपको Fe5 जो है या Fe4, लेट से Fe5 आपको गिवन है और कोई मतलब आपको सॉलिड जो है वो दिया गया है, तो आप उसकी अपीयरेंस चेक करेंगे कि वेदर वो जो Fe5 आपको दिया गया है, पहली चीज आप क्या देखेंगे कि ये कलर्ड है, ठीक है, और इट इज कलरलेस, तो अगर तो आपको जो Fe5 गिवन है, इफ इट इज कलर्ड, तो इसका मतलब इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट मौजूद होगा,
और अगर कलरलेस है तो मतलब स्टार्ट से ही आपका माइंड बनना शुरू हो जाएगा, कलरलेस है तो मतलब नॉन ट्रांजिशन होगा। दूसरी चीज देखेंगे कि आप ये जो आपको सॉलिड दिया गया है ये पाउडर्ड फॉर्म में है और इट इज इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है, पाउडर्ड फॉर्म में है या क्रिस्टलाइन। पाउडर्ड फॉर्म में है तो दैट मींस के ये मतलब पाउडर्ड फॉर्म जैसे वो बिल्कुल वो आप कह लें कि इसकी एग्जांपल जैसे टैल्कम पाउडर आप कह लें, ठीक है, तो वो बिल्कुल जो है वो आप कह लें ऐसा पाउडर टाइप का अगर है तो इसका मतलब क्या है कि ये कोई इनसॉल्युबल सॉल्ट है। अगर आपका सॉल्ट जो है अगर आपको पाउडर्ड सॉल्ट दिया गया है दैट मींस के इट इज एन इनसॉल्युबल सॉल्ट। अगर आपको जो सॉल्ट गिवन है इफ दैट सॉल्ट इज इन पाउडर्ड स्टेट तो मतलब ज्यादा चांसेस क्या है कि ये कोई इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा या इनसॉल्युबल आयनिक कंपाउंड होगा, ठीक है, लाजमी नहीं कि सॉल्ट हो, कंपाउंड भी हो सकता है। अब ये इनसॉल्युबल कंपाउंड क्या हो सकते हैं, इट कुड बी अ मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इट कुड बी अ मेटल हाइड्रो बिकॉज मोस्ट ऑफ द हाइड्रोक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ग्रुप वन हाइड्रोक्साइड डिजोल्व होते हैं, अमोनिया का हाइड्रोक्साइड डिजोल्व होता है, मोस्ट ऑफ द मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो अगर आपका जो 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 सॉल्ट आपको एनालिसिस के लिए दिया गया है अगर तो ये पाउडर्ड फॉर्म में है, इफ इट इज इन पाउडर्ड फॉर्म तो दैट मींस के जो आपका कंपाउंड है ये या तो मेटल हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, या फिर और इट कुड बी अ मेटल कार्बोनेट, ठीक है, इट कुड बी अ मेटल कार्बोनेट। बात समझ में आ रही है, अगर आपके पास कोई पाउडर्ड सॉल्ट दिया गया है तो इसका मतलब या तो मेटल हाइड्रोक्साइड है या फिर मेटल कार्बोनेट है या फिर ये कोई और इनसॉल्युबल सॉल्ट, मतलब मोस्टली तो यही दो होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है कि इट कुड बी बाकी जो आपने इनसॉल्युबल सॉल्ट पढ़ रखे हैं जैसे सल्फेट्स डाउन द ग्रुप इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है तो इट कुड बी बैरियम सल्फेट और इट कुड बी स्ट्रॉन्शियम सल्फेट या कोई और इनसॉल्युबल। मोस्टली 70-80% चांस ये है कि आपका सॉल्ट इन दोनों में से कोई एक चीज होगा, ठीक है, और इन दोनों में से कोई एक चीज है। इसको जज करने के लिए नॉर्मली आपको फिर ये यानी ये जो भी कंपाउंड होगा, यहां तक मेरी बात समझ में आई है आपको, ठीक है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछते रहिएगा जी। ये चीज मतलब आपने एनालिसिस जो है वो स्टार्ट से ही आपने जब सॉल्ट को देखना है तो वहीं से आपका एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगा कि ये क्या चीज हो सकती है। तो थोड़ा सा अगर आप इसको सोच समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना बड़ा आसान सवाल है ये। हाँ जी, यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो इट कुड बी अ मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल कार्बोनेट, और हाइड्रोक्साइड है या कार्बोनेट है इसको टेस्ट करने के लिए मतलब क्वेश्चन पेपर में कहीं ना कहीं आपको कहा जाएगा कि जी आपने एसिड के साथ इसको रिएक्ट करना है, HCl के साथ या लेट्स से के सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या नाइट्रिक एसिड के साथ। और जब आप एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और एसिड के साथ रिएक्ट करने पर इफ वी गेट फिजिंग, अगर फिजिंग होती है तो दैट मींस इट इज मेटल कार्बोनेट बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। और अगर फिजिंग नहीं होती है मतलब आप सिंपल कह लें कि जो आपका हाइड्रोक्साइड है वो डिजोल्व हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, ठीक है, और नो फिजिंग अकर्स बिकॉज वी नो कि मेटल हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विद एसिड वी गेट सॉल्ट एंड वाटर, तो इफ इट इफ नो फिजिंग अकर्स दैट मींस इट इज अ मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यानी ये मैं आपको टेस्टिंग बता रहा हूँ जो क्वेश्चन पेपर में जिस तरह से आई कि जब भी आपको कोई इनसॉल्युबल सॉल्ट आपको दिया जाएगा तो एग्जामिनर कहीं ना कहीं आपसे ये टेस्ट करवाएगा कि आपसे कहा जाएगा कि जी एसिड के साथ रिएक्ट करना है। तो जहां एसिड के साथ आप किसी इनसॉल्युबल सॉल्ट को रिएक्ट करेंगे तो दैट मींस के मतलब इनडायरेक्टली यूर टेस्टिंग फॉर कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड है, तो वहीं से आपको कन्फर्म हो जाएगा कि ये कार्बोनेट है, अगर तो फिजिंग होती है तो कार्बोनेट है और अगर फिजिंग नहीं होती तो हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। और मजीद कन्फर्मेशन के लिए लेट सपोज के फिजिंग नहीं होती, ठीक है, फिजिंग नहीं होती और आपको अब लग रहा है कि ये हाइड्रोक्साइड है, मजीद कंफर्मेशन के लिए इसमें एक और टेस्ट भी फिर आपसे कहा जाएगा कि आपसे कहा जाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड को, ये जो सॉलिड मेटल हाइड्रोक्साइड आपको दिया गया है ये आप बॉइलिंग ट्यूब के अंदर लेके और इसको या टेस्ट ट्यूब में लेके इसको हीट करेंगे, तो हीट करने पर अगर आपको कंडेंसेशन या सब्लिमेशन होती हुई नजर आती है कि टेस्ट ट्यूब के ऊपर जो है वो आपको ऐसे ड्रॉपलेट्स बनते हुए नजर आते हैं तो इसका मतलब जो आपका हाइड्रोक्साइड है ये टूट रहा है इनटू ऑक्साइड एंड वाटर, तो वहां से ये कंफर्म हो जाएगा कि दिस इज हाइड्रोक्साइड। तो इफ सब्लिमेशन अकर्स दैट मींस के हाइड्रोक्साइड है, दिस इज हाइड्रोक्साइड। तो ये मतलब कंफर्मेटरी टेस्ट में आपको बता रहा हूँ कि जहां भी आपको पाउडर्ड कोई सॉल्ट दिया जाएगा
90% चांस ये है कि उसमें कहीं ना कहीं आपसे ये दो टेस्ट लाजमी कराए जाएंगे कि एसिड के साथ टेस्ट करवाया जा रहा होगा, प्लस आपसे कहा जाएगा कि इसको हीट करके देखें, तो आपको वहां से कंफर्म हो जाएगा ये कौन सा सॉल्ट है, ठीक है जी। और अगर आपका सॉल्ट क्रिस्टलाइन है, इफ इट इज क्रिस्टलाइन दैट मींस कि ये कोई सॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है। तो इट इज अ सॉल्युबल सॉल्ट, इट कुड बी अ नाइट्रेट, नाइट्रेट हो सकता है, इट कुड बी अ सल्फेट अदर देन बैरियम और कैल्शियम और लेड, ये कोई सल्फेट हो सकता है, ठीक है। इट कुड बी अ हैलाइड, हैलाइड हो सकता है। तो वो फिर आप आगे जब टेस्ट करेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा, जो क्वेश्चन हुआ हम जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको आइडिया होगा। बट क्या है कि मेनली कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड इजिली जज हो सकते हैं, ठीक है। और कलर्ड है, कलरलेस है, तो वहां से ये जज हो जाएगा कि ट्रांजिशन है या नॉन ट्रांजिशन। तो मतलब ये कुछ पार्ट वो है जो आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपना माइंड बना, और फिर आप ये देख लेंगे वाकई ये इस किस्म के टेस्ट गिवन है क्वेश्चन पेपर के अंदर या नहीं, तो आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा जी। यहां तक बात क्लियर है बेटा, इसमें कोई सवाल किसी का? डिपॉजिट का मतलब तो सिंपली ये होता है ना बेटा कि कोई सॉलिड जो है वो आपका कहने के डिस्प्लेसमेंट हुई है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हुई है, और डिस्प्लेसमेंट के दौरान जैसे मैंने भी आपको जिंक और कॉपर सल्फेट का बताया, तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया तो कॉपर सोल्यूशन में बाहर आ गया, वो कहलाते हैं, वो डिपोजिशन कहलाती है, ठीक है ना। और प्रेसिपिटेशन क्या है कि जब दो आयनिक कंपाउंड जो है वो रिएक्ट करें और वहां से कोई इनसोल्युबल आयनिक कंपाउंड बने, तो वो प्रेसिपिटेशन कहलाती है। ठीक है जी, अच्छा जी। अब देखें, ये तो हमने बात कर ली कैटाइन्स की, अब जरा आते हैं एनाइन्स पे, उसके बाद फिर हम एग्जाम क्वेश्चंस जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एनाइन्स जो आपके सिलेबस में मौजूद हैं, ठीक है, एनाइन्स के टेस्ट बड़े सिंपल होते हैं, सीधे सीधे, वो भी मतलब आपको आइडिया हो जाएगा, एक दो टेस्ट के अंदर ही आपको क्लियर हो जाता है कि कौन सा एनाइन मौजूद है। अब मेनली जो हमारे पास एनाइन्स हैं, कार्बोनेट आइन, हैलाइड आइन्स में क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है, उसके बाद नाइट्रेट और नाइट्राइड, ठीक है, और उसके अलावा सल्फेट और सल्फाइड, SO4-2- और SO3-2-। तो ये टोटल आपके पास 7 एनाइन्स हैं। अब इसमें जो सबसे सिंपल है, जैसे अभी हमने बात कर ली, कार्बोनेट जो है नॉर्मली कार्बोनेट जब भी आएगा तो वो सॉलिड फॉर्म में ही दिया जाएगा, और उसकी अपीयरेंस मैंने आपको बता दी, वो पाउडर्ड फॉर्म के अंदर होगा। तो कार्बोनेट तो देख के आप जज कर लेंगे कि ये कार्बोनेट है, वो बिल्कुल ऐसा पाउडर्ड फॉर्म में होगा, ठीक है। तो मतलब आप ऑलमोस्ट आपको आइडिया हो जाएगा कि दिस इज कार्बोनेट। और कार्बोनेट का सिंपल टेस्ट क्या है कि आप एसिड ऐड करेंगे, ऐड एसिड एंड फिजिंग अकर्स। एसिड ऐड करने पर क्या होगा, फिजिंग अगर होगी तो दैट मीन्स के कार्बोनेट आयन मौजूद है। तो सबसे जो आप कह लें कि आसानी से जो आयन आइडेंटिफाई हो जाता है, दैट इज कार्बोनेट। और फिर उसके बाद आप चाहे आप CO2 का, मोस्टली बच्चे जो है वो लाइम वाटर के साथ टेस्ट के चक्कर में पड़ जाते हैं, अगर आपने किसी आयनिक कंपाउंड में एसिड ऐड किया है, कोई आयनिक कंपाउंड और आपने उसमें एसिड ऐड किया है और फिजिंग हुई है, तो दैट मींस के आपका जो आयनिक कंपाउंड है उसमें कार्बोनेट आयन है, तो आपको वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लाइम वाटर वाला टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप लिखें जरूर उसको अपने आंसर में कि अ कलरलेस गैस प्रोड्यूसेस व्हिच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की या व्हिच गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट इन लाइम वाटर। बट वो मतलब आप अपना टाइम जाया करेंगे टेस्ट करके। अगर आप किसी भी आयनिक कंपाउंड में एसिड ऐड कर रहे हैं और फिजिंग हो रही है, दैट मींस के 100% वो कार्बोनेट आयन है, सोल्यूशन में कार्बोनेट आयन मौजूद है, ठीक है। हैलाइड आइंस के जो टेस्ट हैं ये क्लियर हैं, मतलब बिल्कुल सिंपल है। हैलाइड आइन के टेस्ट के लिए इनिशियली आप क्या ऐड करेंगे, फर्स्ट एसिडिफाई विद डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड किया जाता है जस्ट टू मेक श्योर के सोल्यूशन न्यूट्रलाइज हो जाए। उसके बाद फिर आप क्या ऐड करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते हैं, AgNO3, और सिल्वर नाइट्रेट ऐड करने पर सिल्वर आइन विल रिएक्ट विद दी हैलाइड आइंस, Ag+ जो है ये रिएक्ट करता है हैलाइड आइंस के साथ एंड वी गेट सिल्वर हैलाइड। ग्रुप 17 में हमने पढ़ा भी है। तो अगर सिल्वर क्लोराइड है वी गेट व्हाइट PPT, ठीक है जी, वी गेट व्हाइट PPT। इफ सिल्वर ब्रोमाइड है देन वी गेट क्रीम प्रेसिपिटेट,
ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट, और अगर सिल्वर आयोडाइड है देन वी गेट येलो प्रेसिपिटेट। और कंफर्मेशन के लिए जो है वो फिर आप एसिड में फर्दर एसिड ऐड करके देखते, अमोनिया ऐड करके देखते हैं, और अगर अमोनिया ऐड करने पर डिसॉल्व हो जाता है तो दैट मींस कि दिस इज AgCl, ठीक है, और अगर एक्सेस अमोनिया ऐड करने पर डिसॉल्व होता है दैट मींस इट इज सिल्वर ब्रोमाइड, AgCl डिसॉल्व इन डाइल्यूट अमोनिया, या फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया AgBr इन कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया में डिसॉल्व होगा, और AgI जो है वो डू नॉट डिसॉल्व। बाकी इसके लिए हमेशा मैंने वो क्लास में भी आपसे डिस्कस किया है, इसका सिंपल तरीका वही है कि जब आपके पास पीपीटी बने सिल्वर नाइट्रेट ऐड करने पर, तो आप एक रेफरेंस सॉल्यूशन बना ले, ठीक है। वो रेफरेंस सॉल्यूशन क्या होगा कि आप सिंपल रिएजेंट बॉटल से हाइड्रोक्लोरिक एसिड लें, ठीक है, रिएजेंट बॉटल से हाइड्रोक्लोरिक एसिड लें, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर दें, AgNO3 एक्वस, यानी ये क्या है, दिस इज HCl, ये आपने रिएजेंट बॉटल से ले लिया। अब आपको मालूम है कि दिस इज हाइड्रो, इसमें क्लोराइड आयन मौजूद है, तो सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करेगा एंड डेफिनेटली वी गेट व्हाइट पीपीटी, तो व्हाइट पीपीटी बनेगा, ठीक है। आपने सिंपल जो है वो लेट से ये व्हाइट पीपीटी है, ठीक है, तो ये व्हाइट पीपीटी बनेगा। तो अब ये जो व्हाइट पीपीटी है, आप इसको अपने जो आपके पास जो प्रेसिपिटेट आया आप उसके साथ मैच करके देखें, तो बिल्कुल एग्जैक्ट है, तो इसका मतलब क्लोराइड है, थोड़ा सा आपको डिफरेंस नजर आएगा तो इसका मतलब, और उसको मतलब व्हाइट बैकग्राउंड के साथ टेस्ट करें, ठीक है, कोई टाइल के साथ ही अपने पेपर को पीछे रख के फिर उसको देखें, तो आप उन दोनों को मैच करके जब देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, मतलब ये एसिड वाला टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बाद ये थोड़ा सा मिसलीडिंग हो जाता है, तो बेहतर यही है कि आप इस तरह से कंट्रास्ट बना के देख लें, तो वो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कौन सा हैलाइड आयन है, ठीक है जी, क्लियर है ये बात, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन जी, तो वो क्लोराइड ब्रोमाइड की जो कंफ्यूजन है बेटा उसके लिए मैंने बता दिया, आप ये रेफरेंस सॉल्यूशन बना के इसको दोबारा करके देखिएगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। HCl वहां पे रिएजेंट बॉटल्स में मौजूद होगा, आप थोड़ा सा HCl जो है वो टेस्ट ट्यूब में लें, उसमें सिल्वर नाइट्रेट ऐड करके जो पीपीटी बनेगा उसको अपने पीपीटी के साथ मैच करके देख लीजिएगा, ठीक है जी, क्लियर है ये, ठीक है। तो ये तो सिंपल हो गया हैलाइड आयंस के लिए, कंट्रास्ट वाला सिंपली बता रहा हूँ बेटा कि जो आपके पास मतलब वहां पे रिएजेंट बॉटल्स होंगी, आपने सिंपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाली बॉटल लें और टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लें जो पहले से वहां पे मौजूद है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्योंकि क्लोराइड आयन मौजूद है, इसमें सिल्वर नाइट्रेट ऐड करें AgNO3, तो सिल्वर आयन जो है वो क्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट करेगा, Ag+ विल रिएक्ट विद Cl-, तो AgCl बनेगा, तो ये तो व्हाइट पीपीटी देगा। अब ये आपका रेफरेंस हो गया, ठीक है, ये रेफरेंस सॉल्यूशन है, इसको जो आपने मतलब जो आपको क्वेश्चन पेपर में जो गिवन होगा उससे जो पीपीटी मिला होगा उसके साथ मैच करके देखें, अगर बिल्कुल सेम आ रहा है तो इसका मतलब आपके पास क्लोराइड है, अगर थोड़ा सा डिफरेंस है वो आपको आइडिया हो जाएगा तो इसका मतलब ये ब्रोमाइड है, और अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा तो फिर मतलब वो आयोडाइड है, और बाकी आप एसिड वाला टेस्ट भी करके अमोनिया वाला टेस्ट भी करके देख सकते हैं, बट ये इससे ज्यादा आसानी से क्लियर हो जाता है जी, क्लियर है, हाँ भाई क्लियर हो गई है बेटा बात, ठीक है चलें, तो बस फिर अब ये है कि बाकी इसको नेक्स्ट टाइम आगे कंटिन्यू करते हैं, आज इसको भी यहां तक रखें, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।